उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ हुई घटना ने पूरे देश को झंझकोर कर रख दिया है। लगातार घटना को लेकर आमजन, विभिन्न संगठन सोशल मीडिया के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत रतलाम में भी एबीवीपी द्वारा नगर के सैलाना बस स्टैंड पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के पुतले को आधे घंटे तक फांसी पर लटकाए रखा एवं पुतला दहन कर विरोध किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की मांग की। यदि आरोपियों को फांसी नहीं हुई तो एबीवीपी द्वारा शहर में उग्र आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी भी दी। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत ग्राम खापा में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया, जिसमें बरगी थाना चौकी के ग्राम खापा में रहने वाली छोटी बाई पटेल की 2.5 एकड़ जमीन जबलपुर निवासी रमाकांत सतनामी एवं लीलाधर प्रसाद ने जालसाजी कर फर्जी रजिस्ट्री करा डाली। दोनों आरोपी ने खापा ग्राम निवासी चंद्रवती गौड़ को जमीन मालिक छोटी बाई पटेल के रूप में रजिस्ट्री कार्यालय में पेश की और जित्तू वर्मन भगवान दास गौड़ खापा निवासी को गवाह के रूप में पेश किया। बरगी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जित्तू वर्मन और भगवान दास गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी जबलपुर निवासी रमाकांत सतनामी एवं लीलाधर प्रसाद की तलाश शुरू की है। एक सितंबर को इन्होंने एक शिकायत गृह शिकायत प्रस्तुत की थी अपने यहाँ पे। इसके संबंध में जांच की गई, जांच में ये पाया गया कि एक छोटी बाई बर्मन करके एक महिला है, जिसने छोटी बाई के नाम से उस जमीन का विक्रय किया है। इसकी शिकायत जांच पर हम लोगों ने जांच पड़ताल की, जो भी दस्तावेज थे उनके दस्तावेजों के आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो जमीन को गलत तरीके से भेजा गया, छोटी बाई लोधी जो कि प्रार्थिया है उसकी जमीन को किसी अज्ञात लोगों ने उसको गलत तरीके से उसको बेच दिया। जब उसके बारे में जांच पड़ताल और विवेचना की गई तो उसमें ये पाया गया कि अमुक महिला जो छोटी बाई गौड़ है, ये छोटी बाई बर्मन बन करके इसने जमीन का विक्रय किया है। इसके साथ जो गवाह थे उन दोनों के विरुद्ध हम लोगों ने जांच के दौरान अपराध होना पाया गया, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अपराध कायम किया गया और इसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर के न्यायालय की सुरक्षा में भेजा गया।